30 रन बन चुके हैं द्रोणा क्रिकेट एकेडमी के। 147 का पीछा कर रही है द्रोणा पहले बल्लेबाजी करते हुए। ग्लोबल स्टार्स ने 147 रन 35 ओवरों में बनाए। जवाब में उतरी टीम द्रोणा क्रिकेट अकेडमी। द्रोणा क्रिकेट अकेडमी के 3 विकेट गिर चुके हैं 30 रनों पर। 7वां ओवर चल रहा है। इसी बीच अगली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट और ये बहुत अच्छी गेंद थी। विकेट कीपर उतने ही दुरुस्त, थोड़ा सा आज मिसफील्ड ज़रूर किया है ओजस ने, जो कि ओजस विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहला मैच डेब्यू कर रहे हैं वो, अपना लखनऊ क्रिकेट में पहली बार एंट्री है उनकी। हालांकि आज ऋतिक भी पहली बार कर रहे हैं, वो थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, जो कि इन्होंने 30 बॉल पर 10 रन बनाए हुए हैं। तो बहरहाल क्रिकेट है तो धीरे धीरे सीखने को खिलाड़ियों को मिलता है। इसी बीच अगली बॉल और ये बहुत अच्छी बॉल थी, उसको हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, नो बॉल एम्पायर का इशारा और ये निश्चित रूप से फ्री हिट होगी। देखना है इस फ्री हिट बॉल पर कितना रन बनता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि विकेट कीपर जो है इस समय कर रहे हैं ओजस और थर्ड मैन जानिब में जो फील्डिंग कर रहे हैं वो ऋतिक तिवारी, जो अमित तिवारी के सुपुत्र जी हैं। तो और ये इधर जो है फील्डिंग कर रहे हैं अभिनव सिंह ने अच्छी बैटिंग किया था। इसी बीच अगली बॉल और ये वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, विकेट के बाहर, थोड़ा सा दिशाहीन गेंद थी ये। तो अच्छे कंडीशन में अभी तक लग रहे हैं ग्लोबल स्टार्स के खिलाड़ी। तो 7वां ओवर खत्म हो गया, 8वां ओवर चल रहा है। टोटल स्कोर 33 रन हो गए हैं। 147 का पीछा कर रही है और ये अच्छा शॉट खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे। ओवर की समाप्ति और बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं और हल्का सा कट लगा यहाँ पर, खिलाड़ी मौजूद अभिनव ने अच्छी फील्डिंग किया यहाँ पर, 3 रन निश्चित रूप से बचाया। तो अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं द्रोणा की तरफ से और ये बहुत अच्छा हिट किया, वहाँ पर कैच होने का खतरा हो सकता था लेकिन नहीं, और ये डायरेक्ट हिट भी लगी है लेकिन यहाँ पर एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अभी तक, 42 रन बना चुके हैं, 10वां ओवर चल रहा है। और ये गेंद वाइड, एम्पायर का इशारा। तो अच्छी बॉल कर रहे हैं, सार्थक आए हैं बॉलिंग करने के लिए और ये डिफेंस किया है यहाँ पर, खिलाड़ी मौजूद, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 43 रन स्कोर बढ़ता हुआ। तीन विकेट गिरा चुके हैं अभी तक। रामेंद्र स्लिप के साथ फील्डिंग कर रहे हैं और ये अच्छा शॉट वहाँ पे मिसफील्ड वहाँ जरूर किया सनम जौहर ने, लेकिन एक रनों से नहीं रोक पाएंगे और ये दूसरे रन के लिए पलटे हुए हैं और ये दूसरा रन भी पूरा यहाँ पे थोड़ा मिसफील्ड जरूर किया, दो रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो अच्छे रनिंग बैटमैन द विकेट कर रहे हैं। सार्थक है बॉलर और सार्थक ने अच्छी बॉल डाली है यहाँ पर, डिफेंड कर रहे हैं। 147 रन बनाने हैं ध्रुव क्रिकेट अकेडमी को 35 ओवर में
और अभी तक 11वां ओवर चल रहा है ये, तो अच्छा माहौल है यहाँ पर क्रिकेट का। सीबी अगली बॉल और ये मारा ज़रूर है वहाँ पर कवर्स की जानब, निश्चित रूप से गेंद बॉडी लाइन के बाहर ही जाके रुकेगी 4 रनों के लिए। सार्थक ने बहुत ही बाहर कर दिया था बॉल, सार्थक हैं बॉलर ग्लोबल एशर्स की तरफ से, और ये हल्के हाथों ओवर की समाप्ति। करने के लिए ऑफ ब्रेक बॉलर हैं दिव्यांश सिंह ग्लोबल स्टार्स की तरफ से। दूसरी इनिंग किसी भी चगली बॉल, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई रन अप पर इनके, सिविच अगली बॉल करेंगे दिव्यांश बॉल करेंगे सिविच अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल थी वहां पर, अच्छा डिफेंस किया वहां पर अभिषेक वर्चस है नॉन स्ट्राइक पर और अभिषेक है नॉन स्ट्राइक पर। सीबीच बॉल करने के लिए तैयार शिकंडिनी का यह मुकाबला, और ये बहुत अच्छी बॉल थी, थोड़ा सा दिक्कत हुई है अभिषेक को खेलने के लिए। वर्चस्व होंगे नॉन स्ट्राइक पर और अभिषेक है स्ट्राइक पर, ये बॉलर तो दिव्यांश बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऑफ ब्रेक हैं। और ये बहुत अच्छी बॉल थी, कुछ समझ नहीं आ रही है, रामेंद्र स्लिप की जानिब खड़े हुए हैं। इसी बीच अगली बॉल शॉट उठा के मारा है कि बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर प्लेयर मौजूद, देखना है 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट था, फुल टॉस बॉल था, लाइन पे कंट्रोल नहीं थी अभिनव द्वारा, बहुत अच्छा शॉट लगाया गया, ठीक है बहुत अच्छा बॉल डालना है इस समय। और ये बहुत अच्छी बॉल थी, उसको हल्के हाथों से खेला फाइन लेग के जाने, वहां पर ऋतिक मौजूद हैं, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो द्रोणा की तरफ से दोनों ये बल्लेबाज काफी देर से पार्टनरशिप कर रहे हैं। सी बीच अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल थी वहां पर, सही तरीके से बैट पे ले नहीं पाए, 147 रनों का पीछा कर रही है द्रोणा, अभी काफी दूर अपने लक्ष्य से। सीबी अगली बॉल और ये क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो गए, बहुत अच्छी बॉल थी, यहाँ पर खिलाड़ी सब चेयर्स कर रहे हैं। एक विकेट अभी अभी खुशी जाहिर किया इन्होंने, रमेंद्र आए हैं बॉल करने के लिए, शेख होंगे स्ट्राइक पर, रामेंद्र, और ये बहुत अच्छी बॉल थी वहां पर, मिसफील्ड किया वहां पर, सनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रामेंद्र होंगे बॉलर, लेग ब्रेक करा रहे हैं वहां पे सनम मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजहरा वहां पर सनम ने दिखाया, निश्चित रूप से 4 रन बचाए हैं। रामेंद्र थोड़ा सा घबरा रहे हैं और पहला मैच डेब्यू कर रहे हैं लखनऊ सूर्या क्रिकेट ग्राउंड पर ग्लोबल स्टार्स की तरफ से, लेग ब्रेक करते हैं। इसी बीच अगली बॉल रामेंद्र की, अच्छी बॉल डाल रहे हैं रामेंद्र, मैच होने का खतरा यहाँ हो सकता था जरूर, लेकिन वहां पर तो ऐसे बीच रामेंद्र अपनी अगली बॉल से, और ये
फुल टॉस बॉल थी, उसको एक रन में तब्दील किया। इसी बीच अगली बॉल रामेंद्र की, बहुत अच्छी फील्डिंग किया, खुद फॉलो थ्रो में फील्ड किया रामेंद्र ने। तो यहाँ पे बैकअप करते हुए जरूर। इसी बीच अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल थी, सनी होंगे स्ट्राइक पर और अभिषेक है नॉन स्ट्राइक पर। रोना की तरफ से अभिषेक काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सार्थक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, ऑफ स्पिनर हैं सार्थक। सार्थक इसी बीच तैयार हैं और ये बॉल करने के लिए तैयार सार्थक। इसी बीच अगली बॉल सार्थक की और ये अच्छी बॉल थी सार्थक की, बस सार्थक अच्छी बॉल डाल रहे हैं, हाथ खोलने का पूरा मौका नहीं दे रहे हैं ग्लोबल स्टार्स की तरफ से सार्थक। सनी के लिए ये बहुत अच्छी बॉल थी, वहाँ पर मिस हुए, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं सनम जौहर जो कि कैप्टन है अपने टीम के लिए। इसी बीच अगली बॉल सार्थक की, अच्छी लाइन पे रख रहे हैं सार्थक और ये कैच होने का खतरा और ये कैच मिस किया वहाँ पे रामेंद्र ने, विकेट पा सकते थे यहाँ पर सार्थक। रामेंद्र ने कैच छोड़ा, सनी दो रन बना करके खेल रहे हैं। इसी बीच अगली बॉल बाहर थी बॉल वहां, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का यहां पे मुजाहरा दिखाया, थोड़ा सा यहां पे ओवर थ्रो जरूर हुआ है लेकिन कोई रन नहीं कोई नुकसान। सार्थक अपनी लास्ट बॉल ओवर की करेंगे, वाइड बॉल अंपायर का इशारा। सार्थक अच्छा बॉल डाल रहे थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ परेशानी हुई, अच्छी बॉल थी वहाँ पर खेला, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति। तो जैसा कि मैं रामेंद्र है बॉलर, चार विकेट गिर चुके हैं, 67 रन स्कोर है, 67 रन स्कोर, 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 67 रन बने हुए हैं चार विकेट के नुकसान पर। रामेंद्र और ये बहुत अच्छी बॉल थी रामेंद्र की, वहां पे उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं रामेंद्र इस समय। सनी के लिए रामेंद्र अगली बॉल और वहां पे थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर किया खिलाड़ी ने, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, दो रन दौड़ करके पूरा कर लिया। इसी बीच थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ यहाँ पर। इसी बीच अगली बॉल रामेंद्र की, वहाँ पे शॉट है काउंटिंग डिवीजन में, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ अंदर ही रोकी जाएगी या बाहर, अंदर ही, वहाँ पे अच्छी फील्डिंग किया। रामेंद्र है बॉलर और एकदम विकेट पे, वहां पे एक रन से नहीं रोक पाएंगे है दोनों बल्लेबाजों को। रामेंद्र बॉल करने के लिए तैयार, अच्छी बॉल थी तो रामेंद्र अगली बॉल करने के लिए तैयार और अच्छी बॉल थी, यहाँ पर रनआउट होने का खतरा हो सकता है लेकिन वहाँ पे सार्थक ने भी थोड़ा सा मिसफील्ड दिखाई। ओवर की समाप्ति। फाइनल स्पिन करेंगे इस समय ऋतिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अभिषेक के लिए ऋतिक
और ये बहुत अच्छी बॉल थी यहाँ पर, ऋतिक ने बहुत बढ़िया बॉल डाला, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं ऋतिक इस समय, अच्छे फॉर्म में है। लेफ्ट आर्म सीबी अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल, दो बॉल हो चुकी है ऋतिक की, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक ऋतिक, और सनी होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक, दोनों ही काफी अच्छी देर से बैटिंग कर रहे हैं। ऋतिक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऋतिक, तो ग्लोबल स्टार्स की तरफ से आज ऋतिक भी पहला मैच डेब्यू कर रहे हैं। इसी बीच अगली बॉल सनी के लिए, ऋतिक चार गेंद कर चुके हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इसी बीच सनी के लिए, ऋतिक की अगली बॉल लास्ट बॉल, सनम जोहर बॉलिंग करेंगे अभिषेक के लिए, ऑफ ब्रेक है और ये अच्छी बॉल थी, वहां पर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो अच्छी बॉल कर रहे हैं अभी तक। ऋतिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म चाइना मेन बॉलर हैं, तो सनम जोहर अगली बॉल करने के लिए तैयार अभिषेक के लिए, सीबीच अगली बॉल सनी के लिए, ऋतिक ने फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, सीबीच अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल थी वहां पर, मिस टाइम हुए, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं इस समय, बॉल करने के लिए तैयार सनम, नॉट आउट, बहुत अच्छी बॉल, तो अभिषेक और सनी है इसी बीच अगली बॉल, और ये अच्छी बॉल थी, छोटा हो गया वहां पर खिलाड़ी मौजूद, ओवर की समाप्ति, ऋतिक आए हैं बॉल करने के लिए एक बार फिर से, ऋतिक वाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसी बीच अगली बॉल ऋतिक की, वहां पे डिफेंस किया, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को, ऋतिक अगली बॉल करेंगे अभिषेक के लिए, बॉल थी वहां पर रन आउट होने का पूरा खतरा हो सकता है यहां पर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुए, दो बॉल हो चुकी हैं ऋतिक की, अभी अभिषेक होंगे स्ट्राइक पर, ऋतिक करेंगे बॉल, बहुत अच्छी बॉल थी यहां पर ऋतिक की, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, इसी बीच अगली बॉल वहाँ पे कैच जरूर मिस हुआ, तो बहुत अच्छी बॉल डाल रहे थे ऋतिक पर कैच मिस कर दिए, खुद फॉलो थ्रो में उनको मौका था एक कैच करने का, मिस किए, फिर भी अगली बॉल ऋतिक की, बहुत अच्छी बॉल थी वहाँ पे, कवर्स की जानिब सनम जौहर मौजूद हैं, कैप्टन है जो कि कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, सीबीच अगली बॉल, सार्थक आए हैं बॉलिंग करने के लिए अभिषेक हैं बल्लेबाज, द्रोणा की तरफ से अभिषेक हैं बल्लेबाज, सीबीच अगली बॉल, वहां पर सनम मौजूद हैं, लेकिन वहां पे हल्का सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन कोई रन नहीं, एक रन दौड़कर पूरा किया, सीबीच अगली बॉल सनी के लिए, सार्थक
हाथों से खेला हुआ वहां पर शॉट, एक रन। सार्थक बॉल करेंगे, अगली बॉल। हाँ, तीन बॉल, दो तीन सिंगल आ चुके हैं अभी तक। अभिषेक और सनी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल थी यहाँ पर, रन हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। थ्री बीच, अगली बॉल सार्थक की। दो रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को, बार बार छोड़ते रहेंगे बस। और अच्छी बॉल थी वहां पर सार्थक की। बर्फी आए हैं ऋतिक, और अच्छी बॉल थी वहां पर ऋतिक की, कैप्टन जो कि सनम जौहर ने खुद फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऋतिक। इसी बीच अगली बॉल, और ये कैच होने का खतरा जरूर था यहाँ पर, लेकिन बहुत ही दूर थी विकेट कीपर से। दो बॉल हो चुकी है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। इसी बीच अगली बॉल, अच्छा शॉट खेला है वहां पर, खिलाड़ी मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तीन बॉल कर चुके हैं ऋतिक अभी तक। इसी बीच अगली बॉल ऋतिक की, थोड़ा सा बच गए जरूर यहां पर, आउट हो सकते थे। अच्छी बॉल थी यहां पर ऋतिक की। अगली बॉल करने के लिए तैयार है ऋतिक, जो ओवर की लास्ट बॉल। दिव्यांश आए हैं बॉलिंग करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करेंगे अभिषेक के लिए। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक। सी बीच अगली बॉल, अच्छी बॉल थी अभिषेक की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो थोड़ा सा रनों पे अंकुश जरूर लगा के रखे हैं यहाँ पर। इसी बीच अगली बॉल, छोटा बॉल था यहाँ पर, लेकिन फिर अब थोड़ा थोड़ा में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सभी से अगली बॉल, थोड़ा छोटी बॉल थी लेकिन सही तरीके से बल्ले पे नहीं ले पाए, इसलिए अगली बॉल। एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। सी बीच अगली बार सन्नी के लिए, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अगली बॉल करने के लिए तैयार है दिव्यांश, आए हैं बॉलिंग करने के लिए, ऑफ ब्रेक हैं, बॉलर हैं, नैतिक बॉल करेंगे सनी के लिए। और अच्छी बॉल थी वहां पर फील्ड करने की, क्या कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो अच्छे फील्ड। नैतिक बॉल करेंगे सनी के लिए,
और क्लीन बोल्ड मार दिया यहाँ पर नैतिक ने, आते ही एक विकेट यहाँ पर छटका दिया। काफी देर से थी ये जोड़ी, तो जोड़ी को थोड़ा बहुत अच्छी बीच अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल सी बीच अगली बॉल। बहुत अच्छी बॉल थी नैतिक की।